भी है हमारी पकौड़ियाँ। कुछ अंकल जी चटनी वटनी ला रहे नहीं ला रहे भाई? फिर ले आया 30 रुपए की पकौड़ी की टेस्टी ऐसा है कि फिर से खाने का मन कर गया हमारा। दुश्मन की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो अभी हमें थोड़ा सा कोहरा मिल रहा है। हॉल लग रहा है, हॉल 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 भी कहते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम फिर से जा रहे हैं रुद्रपुर भाई के लिए कपड़े खरीदने, और भाई की घर में फंक्शन है, शादी वादी है आज, तो कपड़े खरीदने जा रहे हैं आज रुद्रपुर। हम पैसा दिल्ली भी जा सकते थे लेकिन दिल्ली क्या है ना कि बहुत दूर पड़ जाएगा, रुद्रपुर में हमारी कुछ पहचान है तो यहाँ से हमें अच्छे रेट में कपड़े मिल जाएंगे। तो अभी मेरे साथ कपिल भाई और मयंक भाई भी हैं, साथ में हम जिस भाई को कपड़े दिलाने हैं उसके मिलने के लिए आए हुए हैं, तो अभी चलते हैं क्योंकि हम गाड़ी में बैठे हैं, उसका वेट कर रहे हैं। फिलहाल वो अभी घर के अंदर है, आ रहा है थोड़ी देर में और फिर निकलते हैं, फिर मिलाते हैं उससे। हम भाई आ चुके हैं हमारे भाई मिस्टर अजय इन द हाउस। बढ़िया वाह बढ़िया। ये चप्पल पहनने में कितना टाइम लगा है, कौन सी चप्पल पहन के लाए? अरे पहले जूडियो गया था, जूडियो से लेके आया। तो इसमें लॉक लगाना पड़ता है चप्पल में? यार हमारे चोरी चकारी हो रही वाला आजकल यार, रोला रप्पा मचा दे रहे लौंडे। भाई चप्पल पहनने में भाई ने लगाए पूरे 15 मिनट के, 10 मिनट के आसपास। 6.5 मिनट 6.5 मिनट गिने गए तूने? क्या बात है यार। तो भाई आज हम जा रहे हैं कपड़े लेने, मेरे मेरी शादी है दूसरी। दूसरी शादी इसकी शादी नहीं है, इसके रिश्तेदारी में शादी है, तो कुछ साड़ियाँ परचेज करनी है तो वो लेने हम जा रहे हैं। तो हमारे वहाँ कुछ पहचान वाले हैं, वो हमें सही रेट लगा देते हैं। तो भाई आ चुके हैं, भाई का विंडचीटर बहुत ही जबरदस्त लग रहा है यार। अरे वाह, थैंक यू सो मच गाइस, आपको भी अच्छा लगेगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। इसमें करोल बाग से लिया है मात्र 50 रुपए में। करोल बाग का नहीं है, मजाक कर रहा है यार, ये महंगा है, ये एक्सपोर्ट आर्टिकल है, ये किलो वाला है, महंगा है ये, कम से कम ये किलो के हिसाब से आता है। ये आपको कम से कम मिल जाएगा आई थिंक 750-800 के आसपास मिल जाएगा। वैसे ओरिजिनल प्राइस इसके 1500-2000 रुपए। चलो भाई चलते हैं अबे माल, और आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं टाटा जंगल के अंदर। गाइस ठंडा बहुत है यहाँ पर ठंडा बहुत है। मैं तो पहन के आया हूँ, भाई तो सही है विंडचीटर पहन के आ गया, लेकिन मैं टी शर्ट में आया हूँ, बाकी भाई लोग भी शर्ट और टी शर्ट में आए हैं। तो हमने शीशे लगा दिए हैं, तो जंगल के बीच से जब जा रहे हैं ना टाटा जंगल से, तो इधर पे थोड़ी ठंड है क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, ठंडा है। कभी मुस्कुराए तो भाई अभी क्या कहते हैं रुद्रपुर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो अभी हमें रास्ते में थोड़ा सा कोहरा मिल रहा है, इस तरफ को कोहरा हो रहा है यार जंगल की तरफ। फॉग, धुंध, धुंध, कोहरा बोले तो धुंध, फॉग या कुछ भी तुम पहाड़ी में क्या कहते हैं? पहाड़ी में यार क्या कहते हैं, पहाड़ी में भी कुछ कहते हैं यार कोहरे को। हॉल लग रहा, हॉल 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 भी कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो जहाँ पर रेलवे फाटक पड़ता है वहाँ पर कोहरा मिला, अब इस तरफ को तो धूप आ गई है। अब यहाँ से रुद्रपुर बचा इतना आपका 5-10 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर के आसपास। तो गाइस अभी हम रुके हैं सुसु ब्रेक के लिए, बहुत तेज लग गई यार। बहुत ही गजब मौसम यहाँ पर। मयंक भाई, मयंक भाई तो नींद में है, इनको सुबह सुबह उठा के ले आए। तो गाइस यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर थोड़ा मौसम अब सही हो गया जितना अब हम रुद्रपुर के पास जा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं क्योंकि साड़ी वाली दुकान खुल चुकी है और वो हमें बुला रहे हैं, जल्दी आ जाओ भैया, आपके लिए सारा बढ़िया बढ़िया न्यू स्टॉक निकाला हुआ है। अब आएंगे या आएंगे? अभी नहीं आ रहे होंगे, अभी नहीं आ रहे। तो चलो चलते हैं आगे को, जतिन पांडे का फोन आ रहा है, तो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। तो हम आ चुके हैं रुद्रपुर की मेन मार्केट में, और रुद्रपुर सिटी के अंदर हम घुस चुके हैं गाइस। आज थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम दिख रही है, भीड़ भाड़ कम दिख रही है, डॉलर रुपया मचा दिए गाइस आज तो यहाँ मार्केट के अंदर। ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ मार्केट बंद बंद तो नहीं है, लेकिन अभी शायद सुबह का टाइम है इस वजह से कम लग रही है। पहले के मुकाबले जो रोज दिखती है ना भीड़, ऐसी नहीं है, बहुत कम है।
और ये हमारा यू टर्न। अरे मेरी गाड़ी तो आ रही है दिल्ली से, तो अब हम पहुंचने वाले हैं जहाँ से हमें परचेज करना है। हमारी गाड़ी नहीं है, तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो गाइस हम गली में घुस तो चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल नहीं मिल रही है। बहुत ही कंजेस्टेड गलियाँ हैं यहाँ पर। पार्किंग तो बना देंगे उस्ताद यहाँ पे, तो देखना पड़ेगा पार्किंग का। वो भैया बस यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ डाल लो, इधर डाल लो, ईंटों की तरफ डाल लो, उतर के लगवाता हूँ, पीछे को डाल लो। बाइक है, बाइक है, बाइक है, बहुत दूर है, आराम से आराम से। उधरो उधरो हाँ हाँ ले आओ, बहुत है, लाते रहो लाते रहो, ले आओ ले आओ ले आओ, बस। तो गाइज हमारी शॉपिंग हो चुकी है बढ़िया तरीके से। ये वो आज नहीं आई कह रही है यार, मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उन्होंने अलाउ नहीं किया, उन्होंने कहा था कि हमारे आर्टिकल जो है वो बाहर ना जाए, इसलिए आप वीडियो मत बनाओ। हमने वहाँ साड़ी की दुकान में वीडियो नहीं बनाई। कौन है? सामान वगैरह सब ये है, नहीं नहीं। एक थैली में सामान है और एक थैली में अपने खुद के कपड़े हैं। हेलो, हमने लिए अपने लिए, मतलब पहनने के लिए। भैया तो अभी यार अभी किसी ने बोला ही नहीं यार, मैंने बोला था कि रुद्रपुर बाजार अभी किसने, और ये राम मैदान। हाँ रुद्रपुर में कुछ सफाई अभियान वगैरह चल रहा है शायद, सभी भाइयों का पार्सल दिए जा रहे हैं खाने के। तो गाइस अभी हम रुद्रपुर से निकल चुके हैं और दिन का टाइम हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो गया रोडों में, भीड़भाड़ भीड़भाड़ हो गई यार। डॉलर अप्पा मचा देंगे गाइस, डॉलर अप्पा। ये मॉल, हम मॉल में जाएंगे बाकी ये भाई ऐसी हंसी मजाक करता है, ये बहुत ही गजब वाला है। गाइस हम यहाँ फाटक के पास रुके हैं, बहुत ही फेमस पकौड़ी मिलती है यहाँ पर अंकल जी की। गाड़ी में लिया, ये यहाँ पर है गाड़ी में, क्या मिलेगा जो झोपड़ी जैसे आप देख रहे हो ना, तो यहाँ बहुत अच्छी पकौड़ी मिलती है। और आगे से अगर आप जाएंगे, अरे बढ़िया बनाता है पकौड़ी, यहाँ से आगे आप जाएंगे तो आपको जंगल का व्यू भी दिख सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको पेमेंट देनी पड़ती है। तो चलते हैं, पकौड़ी खा के आते हैं, पकौड़ी पकौड़ी खा के आते हैं। बाय बाय। बहुत ही मस्त व्यू, ये रहा यहाँ से जंगल का रास्ता, आप जा सकते हो, थोड़े पैसे देने पड़ेंगे आपको चार्जेस। यह झोपड़ी अंकल जी की। हाँ चाय पियेंगे यार, अपने भाई लोग। तो भाई लोग हम लोग यहाँ बैठ गए हैं, बढ़िया पकौड़े पकौड़े खाने के लिए, बहुत मस्त मिलती है। तो देखो चाय पकौड़ी खाने के लिए सभी लोग रही हैं, हमारी पकौड़ियाँ। कुछ अंकल जी चटनी वटनी ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं? चटनी के साथ वही तो। हेलो 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 पकौड़ी मिल गई। अज्जू भाई कैसे हैं? मैं आ गया एक तरफ। आ मैंग भाई मजा आ गया, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ का एड्रेस मैं दे दूंगा, डिस्क्राइब लिंक दे दूंगा, डाल दूंगा, सबको बता। जो अल्दवानी से आओगे रुद्रपुर का जो पहला पार्ट है उसी बगल में, लेफ्ट राइट राइट साइड। भीड़ देखो आप गाइस, भीड़ खरीदने वालों की, पकौड़ी खरीदने वालों की भीड़।
सुबह 4 बजे की भीड़ है, ये दिन के 12:30-11 बजे की फाटक भी लग गया, ये भीड़ है। तो गाइस हमारी चाय पकौड़ी फिनिश हो गई है, अब चलते हैं घर की तरफ और बड़ा मज़ा आ रहा है यार यहाँ पर बैठ। आपको बाहर की तरफ ले चलते हैं, थोड़ा जंगल का व्यू दिखाते हैं। पीछे जो ये सारा जो जंगल है ये टांडा जंगल है गाइस, और इसके पीछे जो आपको बैरियर दिख रहा है ये वाला। हेलो गाइस, चाय पी लो। चाय भाई की बची थी तो ये पी रहा है। ये जो बैरियर है इससे अंदर आप घूमने जा सकते हो। ये रास्ता गुलर बोझ भी जाता है, और ये रास्ता जो है गुलर बोझ डैम तक भी जाता है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी, विदाउट पेमेंट के आपके एंट्री नहीं होगी। कुछ चार्जेस होते हैं बाइक वालों की पेमेंट, हाँ कार वालों के लिए, बाइक वालों के लिए नहीं होगी, सिर्फ कार वाले। अगर आप घूमने भी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सफारी के लिए जा सकते हो, अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके भी जा सकते हो। तो हमने यहाँ पर पकौड़ी खाई, अज्जू हमने यहाँ पर पकौड़ी खाई है, अभी भाई लोगों ने भी खा ली है। मस्त, कैसी लगी कपिल मैंग भाई? बहुत बड़ी। तो अब चेक निकलते हैं, पकौड़ी वगैरह खा ली है, अब जाते बैठते हैं गाड़ी में। बहुत ही शानदार पकौड़ी थी यार, चटनी तो बहुत ही दमदार थी। आओ अंदर पी लेना। सूप जैसी चटनी थी लेकिन बहुत ही मज़ा आ गया, चटपटा। मतलब अगर किसी को सफ़र के बाद हैंगओवर होता ना, सफ़र वाला हैंगओवर रुद्रपुर से आते वक्त, तो आप यहाँ पर बैठ के पकौड़ी खा सकते हो। उसकी चटनी जब आप खाओगे और पकौड़ी खाओगे तो सारा आपका हैंगओवर, मतलब वॉमिटिंग का जो मन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं जल्दी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो निकलते हैं हल्द्वानी की तरफ। भाई फिर लिया है 30 रुपये की पकौड़ी, क्योंकि टेस्टी ऐसा है कि फिर से खाने का मन कर गया हमारा। तो हमने कहा क्यों ना एक प्लेट पकौड़ी ले लेते हैं, तो इसको चलते चलते ही खाएंगे। बहुत टेस्टी पकौड़ियाँ हो रही हैं यार, रख देता हूँ भाई साहब। अरे रखने तो यार, तो पकौड़ी पको, पको। आगे से बोनेट में रख लिए, अभी दो में पका रखो रोड पान तक। अरे मैं तो क्या डाल देते यार, गिरती तो नहीं, इसको और को ले लो। तो ये रहा वो फाटक, यहाँ से आप अंदर जाओगे तो वो है अंकल जी की पकौड़ी, फेमस वाली। तो अब निकलते हैं हल्द्वानी को, और ये रख दिए पकौड़ी, पकौड़ी खाते हुए चलते हैं। बहुत टेस्टी वगैरह पकौड़ी है यार। तो अगर आप लोग भी इस रोड से जाएं तो ट्राई जरूर करें, मजा आएगा आपको। दोस्तों अंकल जी की पकौड़ी एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, बार बार आओगे, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अच्छी यार पकौड़ी में, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, और भाई को हमने छोड़ दिया था, तो भाई अपने घर पे चले गए। अब हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, और हमारे हैवी ड्राइवर मिस्टर कपिल बहुत ही बढ़िया गाड़ी चलाते हुए, तो चलते हैं। 2000 years later. तो गाइज मैं आ चुका हूँ दुकान पे, और शाम के 6:30 हो रहे हैं। हम बैठते हैं, दुकानदारी करते हैं, और आज जो दिन था वो सारा रुद्रपुर में निकल गया हमारा। तो जो भाई है उसके घर पे, मतलब फैमिली में फंक्शन है, उसकी फैमिली में नहीं, उसके चाचा के या ताऊ के साहब, तो उसने कहा कि भाई चलना है करके। तो हम लोग सीधे यहाँ से रुद्रपुर गए, दिल्ली भी जा सकते थे, बट क्या है ना दिल्ली में आना जाना वगैरह काफ़ी चीज़ें हो जाती, तो यहाँ भी रीज़नेबल पड़ गया। तो गाइज आज का ब्लॉग जो है वो मैं यही पेंट करता हूँ, क्योंकि शाम हो चुकी है, तो आप शॉप में बैठे हैं तो अपनी दुकानदारी करते हैं। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, बी ब्राइट।